बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, मेरा नाम हकीम डॉक्टर काजी फारूक सिद्दीकी है। मैं BSc और DHMS और FTJ पंजाब हूँ। आज फिर मैं हसब मामूल अपने YouTube चैनल पर आपके खिदमत के लिए हाजिर खिदमत हूँ, और बल्कि आपका मेज़बान। तो हिकमत के सिलसिले की ये मेरी दूसरी तीसरी वीडियो है, और इंशाल्लाह ये सिलसिला जारी रहेगा और आपसे इंशाल्लाह नॉलेज शेयर होता रहेगा। ये मैं बेज़र और नुस्खा जात सिर्फ खुलके खुदा की खिदमत के लिए पेश करने की कोशिश करता हूँ, और रजिस्टर्ड हुकमा का मशवरा ले लिया करें। आज आपके लिए एक ऐसा नुस्खा लेकर आज खिदमत हुआ हूँ जो कि बूढ़ों के लिए असाई पीरी है। असाई पीरी क्या होता है? असा कहते हैं जो बुज़ुर्ग आदमी जो सोटी उठाकर चलते हैं, तो या स्टिक उठाकर चलते हैं, उसे असा कहते हैं। और असाई पीरी यानी कि बुढ़ापे का सहारा। तो ये नुस्खा बुढ़ापे बूढ़े लोगों के लिए बुढ़ापे का सहारा है। मकसद कहना का यह है कि नुस्खा जवानों और बूढ़ों दोनों के लिए यकसा मुफीद है। दिमाग को ताकत देता है, एसाब को ताकत देता है, पट्ठों को ताकत देता है, थकावट को दूर करता है। अज़ रईसा के लिए मुफीद है, और अज़ रईसा वो बड़े उज्व हैं जिन में से एक भी ख़राब हो जाए या बीमार हो जाए या काम करना छोड़ दे तो ज़िंदगी नामुमकिन हो जाती है। अज़ रईसा जो होता है वो दिल, दिमाग, जिगर, गुर्दे या फेफड़े, इनको अज़ रईसा समझ लें आप। तो जनाब, ये नुस्खा तमाम अज़ रईसा को ताकत देता है। नाउमीद और मायूस लोगों के लिए उम्मीद की किरण है। बस ये समझ लें कि अब एहतियात का काम देगा। आप सोचेंगे कि बहुत तारीफ़ की है मैंने, ये नुस्खा दरअसल है ही तारीफ़ के काबिल। जवानों को मज़ीद जवान और बुढ़ापे के मायूस अफराद को ज़िंदगी की खुशियों से अबरार करता है। फ़र्ज़ कि आप जवान हैं लेकिन परेशान हैं, आप वो कारकर्दगी नहीं दिखा रहे जिसकी आपसे तवक्को की जाती है, तो ज़ाहिर है कि आप मायूस और परेशान और दिल गिरफ्तार होंगे। बाजारी हकीम आपको लूटने की कोशिश कर रहे होंगे या कर चुके होंगे। आपके लिए ज़िंदगी और मौत का बायस ज़िंदगी और मौत का बायस ये मसला बासूरत में बना हुआ होता है। तो लीजिए, आप परेशान ना हों, मेरे अल्लाह ने चाहा तो आपके मसाइल जो हैं वो हल हो जाएंगे। कमज़ोरी, मायूसी, दिमाग का बोझलपन, पाई मुर्दगी और काम को जीना चाहना या काम का दिल ना करना और शादी से इनकार की कोशिश और दीगर तमाम कमज़ोरी इंशाल्लाह दूर हो जाएगी। और बुज़ुर्गों के लिए ऐसा भी ताकत और नया वाला नई उमंग और नया हौसला इंशाल्लाह पैदा होगा। तो नुस्खा अभी मैं आपको बताता हूँ कि सबसे पहले ओव शफ़ी यानी शफा देने वाली ज़ात अल्लाह ताला की है। वर्क तिला 3 माशा, वर्क नुकरा यानी चांदी का वर्क 100 अदद, दाना लैची 6 तोला, अरके गुलाब से अच्छा 3 पाव। से अच्छा जो होता है ये स्पेशल अरके गुलाब होता है, काफ़ी गाढ़ा होता है और स्ट्रांग होता है, तो से अच्छा लेना है 3 पाव। ये मिल जाता है, हम तो पंसारी से मिल जाता है। और मरवारीद 2 तोला, मरवारीद भी अच्छी क्वालिटी के लें, बारीक बारीक लें, बहुत मोटे मोटे ना हो। तो मरवारीद को पहले आप चट्टू में या लंगरी में डालें और उसको आहिस्ता 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 रगड़ें। ज़ोर से रगड़ेंगे तो वो बाहर उड़ना शुरू हो जाते हैं। आहिस्ता आहिस्ता रगड़ें, वो टूटना शुरू हो जाएंगे। जब टूट जाएँ तो एक वर्क उसमें डाल दें, फिर उसको रगड़ें रगड़ें, फिर दूसरा वर्क, फिर उसको रगड़ें, फिर तीसरा वर्क, एक एक वर्क करके डालते जाएँ और रगड़ते जाएँ। सारे वर्क जब ख़त्म हो जाएँ तो फिर आपने अरके गुलाब 1 घूंट डालना है उसमें। 1 घूंट डालने के बाद फिर आप रगड़ते जाएं, वो 1 घूंट खुश्क हो जाएगा, 1-2 घंटे में खुश्क हो जाएगा। तो फिर आपने उसको मतलब 1 घूंट और डालना है, 1 घूंट और डालना है। जब आखिर पे कोई 2 घूंट अरके गुलाब रह जाए तो उस वक्त आप दाना इलायची डाल दें उसमें, उसको भी अच्छी तरह रगड़ें और फिर बाकी अरके गुलाब थोड़ा थोड़ा करके डाल दें। फिर आखिर में तेज़ रगड़ाई करें, बिल्कुल आखिर में खुश्क हो जाएगा, वो पाउडर बन जाएगा। तो पाउडर जब बन जाएगा देखेंगे वो बिल्कुल चूरा और इंतहाई बारीक, ऐसे जैसे धूल होती है, मिट्टी धूल होती है, इस तरह का बन जाएगा। तो एक रत्ती वाले कैप्सूल में कैप्सूल भर लें, एक कैप्सूल रोज़ाना खाना है 1/2 किलो दूध के साथ, तो तकरीबन 40 कैप्सूल बंदा खा ले तो इंशाल्लाह ताला ऐसा भी कमज़ोरी, थकावट और ये वो सारे काफ़ी सारे मसाइल हल हो जाएंगे। उम्मीद है कि आपको प्रोग्राम आज का पसंद आया होगा इंशाल्लाह। तो उम्मीद है लाइक करेंगे आप, सब्सक्राइब करेंगे और शेयर करेंगे, अपने दोस्तों को भी भेजें ताकि उन्हें भी फ़ायदा हो। हकीम डॉक्टर काजी फारूक सिद्दीकी को इजाज़त दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।